दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा जो था पाकिस्तान और भारत का इस वक्त हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने 191 का टारगेट दिया इंडिया को। जितनी उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बैटिंग से, वो सारी फेल हो गई है। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट भी काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड था पर यहाँ पर अब कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 200 प्लस भी नहीं पाकिस्तान कर सका। इस हवाले से लड़कियाँ भी मायूस हैं, लड़के भी मायूस हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अभी भी क्या आपको उम्मीद है या अभी भी कोई उम्मीद है कि अभी भी पाकिस्तान जीत सकते? नहीं, हम बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, हम इतनी दूर से आए थे मैच देखने, आज तुम्हारी क्लास भी नहीं थी, छुट्टी के दिन भी आ गए कि हम यूनिवर्सिटी में मैच देखेंगे, इन्जॉय करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। आप बताएं आपकी कैसी फीलिंग्स है, पहले एक्साइटेड थे आप, यहाँ पे देख रही थी मैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, पर आप बिल्कुल भी वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंचुरी कोई ना कोई टच करेगा हमारे बैट्समैन में से, जैसे बाबर या फिर रिजवान। क्या लड़कों का तो दिल टूट गया है, लड़कियों से जान लेते हैं, क्या उनके भी दिल टूट गए या किसी ऐसे प्लेयर ने आपका दिल जोड़ के रखा था, क्योंकि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, उस हवाले से बताएं कि अभी भी उम्मीद है या मायूस हो गए? नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, उम्मीद थी कि कर लेंगे स्कोर मतलब बैटिंग के बीच में, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब सुबह से बैठे हुए थे यहाँ पे एंड अब बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। हाँ, मुझे बताएं कि कैसी आपने एक्सपेक्टेशंस, आपकी क्या प्लानिंग थी, यहाँ पे आप लोग सब बैठे हुए थे और सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस फेल हो गई, पानी फिर गया आपकी उम्मीदों पर, इस हवाले से बताएं पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहूँ? वेल, यही मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी थी, बट देन इफ्तिकार एंड रिजवान जस्ट वेंट और उसके बाद बिल्कुल डाउनफॉल हुआ है, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, आते ही वो जाए जा रहे थे। आप मुझे बताओ कि अभी आपको लगता है कि बॉलिंग में पाकिस्तान थोड़ा सा इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंडिया के बैटर्स को, या जैसे बैटिंग हुई है वैसी पाकिस्तान की बॉलिंग भी हो? बहुत अच्छा खेलें, स्टार्ट में विकेट्स लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं दिल में, इन्होंने स्टार्ट में इतना अच्छा खेला, हमारी होप्स उसी से इतनी इंक्रीज हो गई थी कि भाई आज पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हम लोग वाकई क्लास छोड़ के बैठे हुए थे और सब यहाँ से आप देख लें, आप सारे चले गए, आप कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैम जी बिल्कुल, यहाँ पे शायकीन क्रिकेट जितने भी थे, सारे स्टूडेंट्स थे, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी पर अब ये सारी उम्मीदें टूट गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, अब बॉलिंग पे थोड़ी सी उम्मीद है, हो सकता है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे।